इसके इशू उस वक्त ये था कि क्योंकि एमसीसी वाज इन प्लेस, हमने शायद 1 लाख का घरों में पानी चला गया, तो हमने इमीडिएट रेस्क्यू टीम वहां भेजी और फिर हमने खुद फॉलो करके के आज हमने इंट्रोडक्टरी काम रिव्यू मीटिंग बुलाई थी। इसमें सबसे बड़ी ये, चूंकि मैं कामयाब हुआ हूँ, MLA बन गया हूँ, मुझे सिर्फ आज तौर भी करना था और हमने इस वक्त रिव्यू भी ले लिया है। और जो अफसरान हजरात थे उनके उनको सिर्फ ये हदायत दी इस वक्त कि जो ग्राउंड पर लोगों की मुश्किल है, हमें तो ड्यूटी है कि वो मुश्किल हमें दूर करने हैं। ग्राउंड पर जो काम है वो काम हमें करने हैं। जो मुख्तलिफ महकमे हैं उनका रिव्यू ले लिया है और इंशाल्लाह आप आगे भी देखेंगे कि ये ग्राउंड पर जाएंगे, लोगों की मुश्किलात दूर करेंगे। और लोगों ने जो सरकार चुनी है यहाँ, जो उन्होंने यहाँ पॉलिटिकल गवर्नमेंट लाई है, यही है कि लोगों के मुश्किलात को हल करने के लिए हम इस वक्त तकदो कर रहे हैं, कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह हम देखेंगे कि लोगों को इंसाफ दरवाजों पर पहुंचनी चाहिए, लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन दरवाजों पर पहुंचनी चाहिए। बहुत से काम है यहाँ जिनको तरजीह बुनियादों पर हल करने की जरूरत है। सबसे बड़ी मुश्किल जो मैं आज से कहता रहा हूँ कि राजपुरा कॉन्स्टिट्यूएंस में सबसे बड़ी मुश्किल है वो है पीने का पानी का। इस वक्त भी अगर आप देखोगे जिस भी गाँव में आप जाओगे पीने का पानी उनको नहीं मिल रहा है। इस वक्त मैंने उसका रिव्यू लिया है और मैं आगे भी एक और मीटिंग उनकी ले रहा हूँ, उसकी तरफ ध्यान देने की जरूरत है। और मैंने हदायत भी उनको दे दी है कि वो उसकी तरफ ध्यान दे पर लोगों के जो मुश्किलात है उसको दूर करने की कोशिश करें। और दूसरी जो सबसे बड़ा एक मुद्दा है यहाँ जो मैं करने वाला हूँ और उठाने वाला ऊपर की सतह पर और असेंबली में भी, और मैं उमर साहब से भी इसके मतलब बात करने जा रहा हूँ कि जो हमारा संगरवनी बेल्ट है टूरिज्म मैप पर लाना है, न सिर्फ टूरिज्म मैप पर लाना है मगर ये हमें वहाँ इंश्योर करना है कि वहाँ सयाह आए घूमने के लिए, वो सड़क जाए, वो उधर जो दूसरे जो मैदान है, सड़क है, नंबलन है, उधर जाए घूमने के लिए। उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ बनाना है, सड़कें तामीर करनी है, वो करनी है। और दूसरे जो मुश्किलात है, रोमो ब्रिज आप ले लीजिए, पिछले 10 साल से बन रहा है और मैं उनको यकीन दिला रहा हूँ, उन लोगों को जो रोमो वालों को और जो रोमो से ऊपर से तुजन है, सृजन है, पकरपोरा वाले हैं, वो जो मेरे को टुकरपोरा कमरोजपोरा है, उनको मैं इस वक्त इंश्योर कर रहा हूँ कि ये पुल अनकरीब चालू हो जाएगा और जो मुश्किलात है वो मुश्किलात दूर हो जाएंगे और वो जो रोम हुआ पुल वो भी शुरू हो जाएगा। सबसे बड़ी मुश्किलात इस वक्त बिजली का होता है। मैंने इस वक्त देखा है कि जो स्टाक है बफर स्टाक यहाँ मौजूद होना चाहिए, हमारे यहाँ जो डिपार्टमेंट है बिजली डिपार्टमेंट है उनके पास बफर स्टाक कितना है, क्योंकि ट्रांसफार्मर होने चाहिए। अगर ट्रांसफार्मर किसी गांव में खराब हो जाए तो वो यहाँ पुलवामा में अगर वर्कशॉप पर लाए तो उनको तो ट्रांसफार्मर 24 घंटे में वापस मिलना चाहिए, उसका भी हमने देखा इंतजाम करेंगे बफर स्टाक का भी। और जो दूसरी चीज़ है जो बालन का है बाकी चीज़